वाह प्रभु जय हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप सबके साथ जो मैं दृश्य देख रहा हूँ वो दृश्य भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्ष पहले देखा था। 10 वर्ष मुझे तो लगता है एक नई मिसाल और एक अद्भुत मशाल, उसी का दर्शन आज हम कर रहे हैं। आज से ठीक 10 वर्ष पहले जो स्वच्छता का दीप जला था वो महादीप बनकर प्रज्वलित हो रहा है। हम प्रतिदिन गंगा जी की आरती करते हैं, पूरे विश्व के श्रद्धालु आते हैं, परंतु जल की जो निर्मलता और स्वच्छता और गंदगी चारों ओर जो पहले होती थी वो दर्शन नहीं होता है, उसका अनुभव यहाँ बैठकर पूरे विश्व के लोग अब करने लगे हैं। और ये अद्भुत और अलौकिक है और ये भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्मठता और नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय और अभी हमारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, किसान मंत्रालय भी जुड़ रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी जुड़ रहा है और साथ ही जो मिलकर हम कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सामूहिक प्रयास ही आज हमारे विश्व में भारत का नाम उस ऊंचाई पर ले जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप सब आदरणीय हैं, माननीय श्री मनोहरलाल खट्टर जी, आपको तो मालूम है, चर्चा करता हूँ आपसे, अब तो आदरणीय सी आर पाटिल जी भी बैठे हैं और श्री साहू जी हमारे विनी महाजन जी और आप सब इतने भी मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड ऑल स्टेक होल्डर्स आर सिटिंग हियर टुडे। मुझे लगता है कि माँ गंगा के पावन तट से सबसे पहले तो मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और माँ गंगा से सफलता की प्रार्थना करता हूँ। मुझे तो लगता है कि अब तो एक ही मंत्र है, मेरा देश मेरी शान, मेरा गांव मेरा तीर्थ, इसलिए मेरी गंदगी मेरी जिम्मेदारी। और आप सब ने उसके लिए ग्रैंड प्लान किया, ग्राउंड प्लान किया, टीम प्लान किया, टाइम प्लान किया और उसका ही विजन है कि आज हमें इसका दर्शन हो रहा। अब ये नया मंत्र स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही धर्म, स्वच्छता ही पूजा, स्वच्छता ही संस्कार, स्वच्छता ही हमारा स्वभाव बन जाए। ये जो स्वच्छता स्वभाव और स्वच्छता संस्कार, ये यात्रा कहीं और से नहीं बल्कि अपने घर से, अपनी गली से निकलेगी, क्योंकि घर गली से गांव की यात्रा और मोहल्ले से मुल्क की यात्रा बने ये यात्रा। और हमें इस कचरे से, मुझे जब मैं क्योंकि हिमालय में बैठा हूँ, हिमालय को भी बचाना होगा, क्योंकि हिमालय है तो हम हैं, हिमालय है तो ग्लेशियर है, ग्लेशियर है तो गंगा है, गंगा है तो गंगा कल्चर है और वैसे भी स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है। इसलिए स्वच्छ और स्वस्थ भारत ही समृद्ध और सशक्त बन सकेगा। जो प्रयास आप कर रहे हैं उसके साथ मुझे लगता है कि धर्म गुरुओं को भी जोड़ना चाहिए। धर्म गुरु का प्रभाव अद्भुत है। कुंभ का मेला आ रहा है, इस कुंभ के मेले में 40 करोड़ लोग भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय श्री योगी जी के कुशल संचालन में सब एकत्रित हो रहे हैं। मुझे लगता है आदरणीय माननीय श्री खट्टर जी कुछ ऐसा प्लान बनाइए कि कुंभ के मेला में भी एक ऐसा समागम हो जहाँ पर सबको ये केवल हमारे संस्कार में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में भी आ जाए, उसका भी संदेश वहाँ से पूरे भारत को, पूरे भारत के संतों के द्वारा पूरे समाज को मिल सके। हमने पूरी कोशिश की है सब धर्म गुरुओं को जोड़कर, क्योंकि उनके पास अपने अपने प्लेटफॉर्म हैं, दे हैव देयर ओन कॉन्ग्रीगेशंस, तो उनको कैसे साथ मिला के हम सब लोग आगे बढ़े जिससे कि हमारा देश उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं कर सके। और मुझे एक बात और भी लगती है कि स्वच्छता इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा स्वास्थ्य भी उसके साथ जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य के साथ हमारी समृद्धि जुड़ी हुई है, हमारी खुशहाली जुड़ी हुई है। इसलिए बेहतर साफ सफाई जो आप आज आप करवा रहे हैं, उस आदर्श जीवन शैली, आदर्श ग्राम, आदर्श शहर, उन सबका निर्माण संभव है। मुझे तो लगता है गाँव बनेंगे पानीदार जब हम बनेंगे जिम्मेदार, इसलिए मेरी गंदगी मेरी जिम्मेदारी मैंने बात कही। गंदगी के कारण आज मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण हो रहा है, हानिकारक रसायन, जहरीले के कीटनाशक, अन्य प्रदूषक तत्वों के कारण कितनी मिट्टी की हमारी जो उर्वरा शक्ति है उसके लिए फसलें भी, उनका उत्पादन भी कम हो रहा है। इसलिए पीने का पानी हो या जो हमारा हमारी मिट्टी हो, ये सब पे भी हमें ध्यान
देना है, क्योंकि इसका पूरा प्रभाव हमारे सैकड़ों बच्चों पर, हमारे प्रतिदिन न जाने कितने बच्चे मर रहे हैं, जितने लोग कोविड से नहीं मरे उतने लोग वायु प्रदूषण से मरे हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। ये सांस की बीमारी, ये हृदय रोग आज इतने बड़े कारण बन रहे हैं, इसका एक ही कारण है सबका, इसका असर मुझे लगता है कि इतना ज्यादा है। और उसके लिए हमें तीन प्रदूषण है, एक है वैचारिक प्रदूषण, दूसरा है मानसिक प्रदूषण जिसकी वजह से नकारात्मक विचार, गलत धारणाएं, पूर्वाग्रह, नए नए दूषित नैरेटिव भी हैं, उन पर भी हमें समाज में जो आज फैल रहे हैं उन पर भी ध्यान देना है। इसमें वाणी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, हमारे ऋषियों ने विचारों की वैक्सीन दी है, उन विचारों की वैक्सीन को लेकर आपके नेतृत्व में आदरणीय खट्टर जी, मुझे लगता है भारत के प्रधानमंत्री जी आप सबको साथ लेकर जिस तरह से चल रहे हैं, और ये ही इसका तरीका है, और पूरा संत समाज आपके साथ है। आई अर्ज ऑल ऑफ आवर लीडर्स फ्रॉम स्टेट्स टू द विलेजेस टू राइज टू द मोमेंट, यू आर द टॉर्च बेयरर्स फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन योर कम्युनिटीज एंड इन आवर नेशन। The success of this mission lies in your hands, in our hands, in your leadership and your commitment in our commitment. This commitment will inspire millions and millions on this earth. Let us commit ourselves not only to the visible act of cleaning but to the nurturing a culture where swachhata becomes a way of life for every household and every community.